आज मैं सॉफ्टवेयर कोर ड्रॉ है जिसके अंदर लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर लास्ट में आपने सीखा था यूज ऑफ ब्लेंड ऑप्शन एंड अदर ऑप्शंस के जरिए बहुत सारी शेप्स आपने 3 to 4 शेप्स बनाई थी। उसी के अंदर एक शेप आज हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में क्या कहते हैं रह गई थी, वो आज हम दोबारा आपको बताएंगे कि किस तरह से आप क्या कहते हैं ब्लेंड ऑप्शन और बाकी ऑप्शंस को यूज करते हुए किसी भी कंपनी का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 11 का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम डिजाइन करेंगे कंपनी लोगो, ठीक है, डिजाइन कंपनी लोगो लेक्चर नंबर 11 ऑफ कोरलड्रॉ। स्टार्ट करने वाले सबसे पहले आप कोरलड्रॉ को ओपन कर लेंगे, ठीक है, जो आपके पास इंस्टॉल होगा, हमारे पास कोरलड्रॉ 11 है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोरलड्रॉ को ओपन कर लिया, अब यहाँ से आपने क्या करना है, न्यू ग्राफिक सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप नया काम करें तो उसे न्यू ग्राफिक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इस न्यू ग्राफिक की फाइल ओपन हो जाएगी कोरलड्रॉ की, इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज बार में जाके लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में से कोई भी पेज सेलेक्ट कर लेना है। पेज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम कंपनी लोगो डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे पॉलीलाइन टूल, ठीक है। पॉलीलाइन टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, उसे उसे एक शेप ड्रॉ करनी है पेज के ऊपर। शेप को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेना है शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद आप क्या करेंगे, शेप की जो आउटलाइन है इसके मिड पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कन्वर्ट लाइन टू कर्व के जैसे ही आप प्रॉपर्टीज बार में से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो डॉट्स आ जाएंगे आउटलाइन के ऊपर, इनमें से एक डॉट पे आप क्लिक करके इस तरह से अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे, साइज छोटा करने के बाद आप इसके अंदर लेफ्ट क्लिक करके कलर प्लेट्स में से कोई भी कलर फिल कर देंगे और यहाँ से इसकी आउटलाइन प्रॉपर्टीज बार में जाके हेयर लाइन वाले ऑप्शन में, जो कि आउटलाइन विड्थ कहलाता है, जाके यहाँ से आप इसकी आउटलाइन क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्कल आपके सामने आएगा, इस सर्कल को के ऊपर क्लिक करके इसे उठाकर यहाँ लोअर साइड पर मूव कर देंगे कॉर्नर के शेप के। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो रोटेट एरो है लेफ्ट क्लिक से रोटेट एरो को सिलेक्ट करके इस तरह से शेप को मूव करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फिर लेफ्ट क्लिक भी छोड़ देंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके उसे छोड़ेंगे फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक भी छोड़ देंगे। एक बार अगर करने से ना हो तो कंट्रोल जेड से एक्शन को कैंसिल करें, फिर दोबारा उसे रिपीट करें, लेफ्ट क्लिक से रोटेट एरो को मूव करें, राइट क्लिक करके फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ दें, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी शेप का कलर चेंज कर दें, इसी तरह की प्रोसीजर दोबारा रिपीट करें। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप कलर्स की फिल करते जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरी शेप को साथ सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, इसका सर्कल उठा के यहाँ सेंटर पॉइंट में रखेंगे और इसको इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे ऐसे। इनमें से हाफ शेप के ऊपर से ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, इसी तरह बाकी हाफ शेप के साथ भी हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इनको घुमाते जाएंगे और इस तरह से इसकी डुप्लीकेट बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पिक टूल लेके पूरी शेप को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल जिसे आप ग्रुप कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे ये जो कॉर्नर में डॉट है उससे इसका साइज वगैरह सेट कर देंगे।
साइज वगैरह सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, मुझे इसके ऊपर शेडो टाइप का फेंक देना, शेडिंग देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है, जो कि ग्लास की तरह बना हुआ है। इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हमने इसके ऊपर देना, तो यहाँ से इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल ले लेंगे और शेप के ऊपर से ड्रैग कर देंगे अप टू डाउन साइड, इतना कि हमारी हाफ शेप क्या हो जाए, वो छुप जाए। हमारी हाफ शेप छुप जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसे अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी प्रॉपर्टीज बार में। अब यहाँ पे यहाँ ट्रांसपेरेंसी टाइप में जाएंगे, जो लीनियर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रेडियल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। रेडियल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप पिक टूल लेके साइड पे क्लिक करेंगे, तो देखें इस तरह से आपकी शेप इसमें हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। F4 से अपने पेज को स्क्रीन के ऊपर सेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की है F6। इसे लेकर आप क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सेंट्रल पॉइंट में रखेंगे इसे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे कलर प्लेट में व्हाइट कलर के ऊपर, तो इसके अंदर से कलर हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन जो है प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे हेयर लाइन वाले ऑप्शन में, जो कि आउटलाइन विड्थ कहलाती है, यहाँ जाके इसकी आउटलाइन क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पॉलीलाइन टूल लेना है या फिर फ्री हैंड टूल लेना है, ठीक है। पॉलीलाइन टूल लेंगे तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, डबल शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। फ्री हैंड टूल लेंगे तो वो एक ही लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो मुझे एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए मैं यहाँ से फ्री हैंड टूल ले लूँगी। फ्री हैंड टूल लेने के बाद आप एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, यहाँ से हेयर लाइन के ऑप्शन में, जो कि आउटलाइन विड्थ कहलाता है, इसको इंक्रीज कर देंगे आउटलाइन को, ठीक है। और यहाँ से राइट क्लिक करके कोई भी कलर दे देंगे आउटलाइन को, ठीक है। फिर कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करके आउटलाइन की डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर से उठा के नीचे की तरफ मूव करेंगे, ऐसा से नीचे की तरफ सेट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह करने से क्या होगा, जो हमने ये रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया और फिर उसकी आउटलाइन बन करके इस लाइन दे दी, तो इस तरह से ये लगेगा कि ये ऊपर वाला हाफ पार्ट अलग है और नीचे वाला हाफ पार्ट हमने अलग डिजाइन किया, तो इस तरह से ये इफेक्ट आएगा, बीच में से खाली है और ये हाफ ऑफ पार्ट हमने अलग से डिजाइन किया। तो इस तरह से इस किस्म का इफेक्ट देने के लिए हमने ये रेक्टेंगल टूल का यूज किया है अपनी शेप के ऊपर। अब यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लेकर जो बीच में खाली जगह है यहाँ क्लिक करके अपनी कंपनी का कोई भी नाम लिख दें या जिस चीज का भी आपने लोगो बनाया है वो कोई भी नाम यहाँ पे आप टाइप करें, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से पिक टूल लेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट लिस्ट में से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे इसी के साथ होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डॉट से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके। अब यहां से आप इसके अंदर भी कोई भी कलर दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट के अंदर भी लेफ्ट क्लिक करके कोई भी कलर दे दें और राइट क्लिक करके आउटलाइन कलर दे दें, लेफ्ट क्लिक करके कलर फिल कर दें, और आउटलाइन को इंक्रीज करना है तो आउटलाइन को यहाँ से इंक्रीज कर दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पिक टूल लेके पूरे लोगो को सिलेक्ट करेंगे या फिर कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, ठीक है। F4 से स्क्रीन सेट करेंगे, उसके बाद F9 से इसका प्रीव्यू देख लेंगे। तो इस तरह से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को यूज करते हुए कोई भी कंपनी का लोगो या कुछ भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका आज का कलर ड्रॉ का लेक्चर नंबर 11, यूज ऑफ ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड अदर ऑप्शन, जिसके अंदर हमने डिजाइन कंपनी नेम बनाया है, ठीक है, कंपनी लोगो बनाया है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 11 का सेकेंड पार्ट था, जिसके अंदर हमने आपको कंपनी लोगो डिजाइन करना बताया, ये कम्प्लीट हो गया। अब आप देखें कि अगर कोरल ड्रॉ में आपने कोई भी फाइल सेव करना हो तो वो किस तरह से सेव करते हो, आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता दिया गया है। लेकिन अगर आपको कोरल ड्रॉ के अंदर
किसी भी चीज को जो भी आप डिजाइनिंग करते हैं, बैनर वगैरह बनाते हैं, पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, ब्रोचर बनाते हैं, या कोई भी शेप या कोई भी आप लोगो वगैरह बनाते हैं, तो उसको एज अ पिक्चर किस तरह से सेव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl E। ठीक है, कीबोर्ड से Ctrl E प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। कोई भी फाइल का नाम आप टाइप कर देंगे, जैसा हमने कंपनी लोगो बनाया तो मैंने वही नाम लिख दिया। अब यहाँ पे सेव एज अ टाइप जो है, इसके अंदर आप यहाँ से जाके JPG JPEG बिटमैप सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि कोरल ड्रॉ की फाइल को पिक्चर के तौर पर सेव कर देता है। तो यहाँ से आपने ये सेव एज टाइप में ये वाली टाइप ले लेनी है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप किसी विड्थ वगैरह रेजोल्यूशन वगैरह सेट करनी है तो वो सेट करने के बाद ओके करेंगे। यहाँ पर आपको इसके ओरिजिनल रिजल्ट वगैरह चेक करना है, कंपैरिजन स्मूथनिंग वगैरह सेट करनी, तो वो सेट करके आप ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास एज अ डेस्कटॉप के ऊपर एज अ पिक्चर आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके अलावा आप Ctrl S से एज अ कोरल ड्रॉ की फाइल भी सेव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर के तौर पर जो हमने सेव किया। डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे ये रही हमारी एज अ पिक्चर के तौर पर जो हमने अपना कंपनी लोगो बनाया है उसे सेव कर लिया। तो आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।